मेरे निसा, क्यों अपना और मेरे मरहूम भाई का मजाक बना रही हो? क्यों, क्या किया मैंने? माना कि तुम गमजदा हो और गम में इंसान रोता है, आजूदा होता है, ना कि हंसता हो और बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हो। दरअसल पप्पो, माँ बच्चों को देखकर हमेशा ऐसे करती है। ये कौन सा मौका था बच्चे को खुश करने का? अभी शौहर को गए हुए 2 दिन नहीं गुजरे हैं और तुमने बच्चों के साथ अटकेलियां शुरू कर दी हैं। हरे स्वयं पर आई हुई औरतें बातें बना रही थी, और तो और अफान की दोस्त सहर और उसकी मां सबसे आगे थी। अरे ये क्या कर रही है? अरे मिनाल रोको, अपनी मां को संभालो। अरे बाल बांधो इसके, कुछ होश है तुम्हें मेहरुनिसा? शौहर नहीं रहा तुम्हारा और तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई हो। शौहर मरा है मेरा, मैं तो नहीं मरी, और मेरा शौहर मुझे खुश देखना चाहता था। या खुदाया, जिंदगी में अगर शौहर बीवी को खुश देखना भी चाहता हो तो भी उसके जाने के बाद बीवी खुश नहीं रह सकती है। माना कि हिदायत भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, और अब उस मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी याद में खुद को मसरूफ रखो और उनके जाने का दुख महसूस करो। मेहरुनिसा, पहले हिदायत की मोहब्बत के हिसार में थी, अब उनकी यादों की कैदी बन जाऊं, क्या चाहती हैं आप पापा? इद्दत के 4 महीने 10 दिन तो कैद में रहना होगा। Thank you.